हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए जो है घटना चक्र बुक की जो है टू प्रैक्टिस सेट साल कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी के पार्ट और जीएस के पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि इसमें जो है कुल 75% जो है हिंदी और जीएस मिला के आएगा। ठीक है भाई, 37 आपके हिंदी और 28 आपके जीएस के, ये आप जानते हैं। ठीक है भाई, तो आज का हमारा ये सेट नंबर किसका होगा? तीसरे नंबर का होगा। इसमें कुल 10 सेट है। ठीक है, आपको 10 वो हम कराएंगे। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और देखिए, आप जो है जितना पढ़े हैं, नोट्स जो बनाए हैं, उसको अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिए। ठीक है, रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए और फुल मार्क्स जरूर दीजिए। कम से कम कोई सेट ला के उसका 5 से 6 सेट पूरा पूरा आप बैठ के 2 घंटा एग्जाम दीजिए। ठीक है भाई, वो मार्कशीट भी लगी रहती है। अब तो जो भी टेस्ट प्रैक्टिस सेट लाएंगे, ठीक है, तो जरूर करिएगा ये काम। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, करें कि हिंदी की पहली सावक बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी, मतलब किस वर्ष में इसको शुरू की गई थी, तो ये आपको ध्यान देना है। रिलीज हुई थी तो कह रहे हैं कि 1900 में, 1947 में, 1931 में या 1930 में, बताइए भाई राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पहली बोलती फिल्म कौन थी। ठीक है, ये भी आपसे बोला तो आलम आरा बताएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1931 में। ठीक है, तो 14 मार्च 1971 में जो है ये रिलीज हुई थी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, अगर आपसे पहली फिल्म पूछे तो बताएंगे राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, राजा हरीश चंद्र। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। और राजा हरिश्चंद्र का रिलीज हुई थी तो ये 1913 में। ठीक है, 1913 में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। करें भारत भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर है? करें कि प्रयागराज में, लखनऊ में, मथुरा में, वाराणसी में। तो ये यूपी का है भाई प्रश्न, स्पेशल उत्तर प्रदेश का। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो कहाँ है ये भारत कला भवन? ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये वाराणसी में है। ठीक है भाई, वाराणसी में है। इसकी स्थापना आप जानते हैं कब हुई थी? 1920 में। ठीक है, 1920 में। ठीक है, ठीक है, 1920 में जो है भारत कला परिषद के रूप में राय कृष्ण दास द्वारा की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा? राय कृष्ण दास। ठीक है, राय कृष्ण दास के द्वारा। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ये आप जानते हैं, आसान प्रश्न है भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। इसका क्षेत्रफल आप जानते हैं 7680। ठीक है, 7680 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और यहीं सबसे छोटा पूछेगा तो आप बताएंगे हापुड़। ठीक है, अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो यह किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल जो है उगाई जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा इसका, बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ये किन जनपदों में, जैसे बदायूं हो गया, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, मेरठ आदि में जो है सोयाबीन की खेती की जाती है। ठीक है, और इसमें आप जानते हैं 40 से 45% क्या होती है? प्रोटीन होती है। ठीक है, और इसमें 20 से 22% जो है तेल की मात्रा उपलब्ध होती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे हैं कि कार्तिक कार्तिक एक लोक नृत्य है, ये आपको बताना है भाई। कार्तिक जो है एक लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। कहें बुंदेलखंड का, अवध का, पूर्वांचल का, रोहिल खंड का, बताइए। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये कहाँ का है भी? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सॉरी ए नंबर, बुंदेलखंड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कुछ हैं बुंदेलखंड का ध्यान रखना है, जैसे ख्याल। ठीक है, ख्याल बुंदेलखंड क्षेत्र समझ रहे हैं ना भाई? बुंदेलखंड मतलब जैसे जालौन आता है, झांसी, महोबा, बांदा। ठीक है, ये मान लीजिए, चलो ऐसे बना देते हैं, ये आपका हो गया, वैसे ही बना देते हैं अक्सर। तो बताते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र कहाँ पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पे जो है ये एरिया जो है आपका क्या पड़ेगा? बुंदेलखंड। ठीक है, ये ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और पूर्वांचल आप जानते हैं इधर पड़ता है, ठीक
ठीक है, और ब्रज क्षेत्र आपका कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा लगभग, तो ये आप जान जाइए। ठीक है, तो यही है बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, चलिए इसको उठाते हैं। तो ठीक है, तो ये ख्याल हो गया बुंदेलखंड का। और कौन, राहुला नित्य, राहुला देखिए नित्य, क्योंकि ये नित्य ही आना है, पक्का आना है भी, ये जान लीजिए। इस ये सब तो इनमें से, क्योंकि सिलेबस में ही है आपका। ठीक है, घुरिया भी है, घुरिया हो गया, पाई डंडा, ठीक है, पाई डंडा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है, चित्रकूट का लठमार दीपावली नित्य ये भी होता है। ठीक, आइए कुछ ब्रज क्षेत्र का जान लेते हैं। तो ये तो हो गए कौन कौन, ख्याल, राहुला नित्य, राई, ठीक है, घुरिया नित्य, पाई डंडा, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। ठीक है भाई, आइए देखते हैं ब्रज क्षेत्र का। चरकुला, चरकुला, चरकुला हो गया, रास हो गया, ठीक है, नित्य, झूला नित्य, और कौन, रसिया, जो आया था आप स्वयं से परीक्षा में, रसिया, ये कहाँ के हैं, ये रसिया क्या लोकगीत है, और ये ब्रज क्षेत्र का है। कहाँ का भाई, ब्रज क्षेत्र का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और पूर्वांचल का कौन है, कर्मा नित्य हो गया, चौलर नित्य हो गया, सायरा नित्य हो गया। ठीक है, और कजरी आप जानते हैं लोकगीत है, ये मिर्जापुर की है। ठीक है भाई, और एक याद रखिएगा, चौरसिया, चौरसिया नित्य पूछा जाता है कहाँ का, बहुत इंपॉर्टेंस है, चौरसिया नित्य ये जौनपुर का है। ठीक है, चलिए इसमें आप ज़्यादा टाइम दे दिए भाई, लेकिन आपका रिवाइज भी हो गया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है। देखिए, रंग थिएटर ये जो है, यहाँ पे जो है, अंग्रेज जो है अपने परिवार के साथ मनोरंजन के लिए जाते थे, ये मनोरंजन का एक स्थान के था अभी। ठीक है, तो बताइए ये रंग थिएटर कहाँ है, तो ये कहाँ है अभी, राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, GPO लखनऊ। ठीक है, ये आपका यार, ठीक है, ये जो है रंग थिएटर GPO लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ये जो है ब्रिटिश भारत में या जो है अंग्रेजों का मनोरंजन केंद्र था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, बताइए, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, करें बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मिर्जापुर, बताइए। देखिए, सहारनपुर तो आप जानते हैं कागज़ के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कागज़ के लिए। ठीक है, और मिर्जापुर कालीन उद्योग के लिए। ठीक है, कालीन उद्योग के लिए ये, ठीक है, ये नहीं, सहारनपुर तो यहाँ है। ठीक है, ये यहाँ दिखा दीजिए सहारनपुर। ठीक है, और मुरादाबाद किसके लिए, ये मुरादाबाद पीतल के लिए। ठीक है, पीतल के लिए। अब एक ही बचा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बरेली। ठीक है भाई, तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग किसके लिए प्रमुख केंद्र है, बरेली। आइए देखते हैं अगला है। हाल ही में किस देश में विनाशकारी भूस्खलन के बाद भारत द्वारा उस देश को $1 मिलियन की सहायता प्रदान की गई थी। तो यहाँ भाई भूस्खलन हो गया था, तो जिस कारण से यहाँ पे काफ़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी, तो भारतीय सरकार जो है इन्हें $1 मिलियन की सहायता दी थी। तो आप बताइए राइट आंसर हो जाएगा, तो करंट का प्रश्न है, सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तो ये राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, पपुआ न्यू गिनी का। ठीक है, ठीक है, आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। 17वें इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 का खिताब किस फ्रेंचाइजी टीम ने जीता है, तो ये आपने देखा होगा भी, तो आप जानते होंगे, इसका आसान प्रश्न है, करंट का है, किसने जीता था, तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो आप जानते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। तो ये जो है हैदराबाद को जो है 8 विकेट से हरा कर जीता था ना, 8 विकेट से हरा कर जीता था। यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए ऑरेंज कप किसे मिला था, ठीक है, ऑरेंज कप किसे मिला था, तो ये विराट कोहली को मिला था ना, विराट जी को, विराट कोहली को। इन्होंने 741 रन, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को क्या दिया जाता है, ऑरेंज कैप, और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को पर्पल कैप दिया जाता है, और हर्षल पटेल को दिया गया था, और ये 24 विकेट लिए थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा। आइए देखते हैं अगला है। ठीक है, उसका उप विजेता आप जानते हैं ना, सनराइजर हैदराबाद था। आइए देखते हैं अगला है। मई 2024 में किसे वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंस प्रश्न है, बुकर पुरस्कार। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन, जेन्नी एरपेन बेक को। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला है। लोकसभा चुनाव 2024 में किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े थे, ये आप जानते हैं भी, बहुत चर्चित में था जब रिजल्ट आया था तो चुनाव का, तो कौन,
कहाँ पर कौन था? करे वाराणसी, इंदौर, भोपाल और अयोध्या। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदौर था। ठीक है, इंदौर था। ठीक है, तो यहाँ पे 2,18,667 वोट से जो है नोटा पड़ा था यहाँ से। ठीक है, और यहाँ के विजयी कौन हुए थे ये आपको ध्यान रखना है। तो जनता, भारतीय जनता पार्टी के शंकर लाल वानी थे। कौन थे? शंकर लाल वानी थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जीते थे। ठीक है, आज देखते हैं जून 2024 में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसने लॉन्च किया था, किसने लॉन्च किया था भी? तो देखिए इस यहाँ पे आपको ये जो है इसका ये जो टेस्ट पेपर था, ये मॉडल पेपर, ये बीच में रखा गया था ना, शुरू से नहीं था ना, इसलिए 116 आ गया, ऐसा मत समझिए। तो बीच में ये रखा हुआ था, जैसे पेपर में कभी आ जाता है ना, कभी रीजनिंग शुरू हो जाती है, कभी हिंदी, तो इसमें पहले रीजनिंग शुरू हो गई थी, तब फिर आपका हिंदी, तब GS था। ठीक है, ऐसे था। चलिए, तो किसने शुरू किया था भाई? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे आप सेबी कहते हैं। ठीक है, ये इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो यह जो है, यह मोबाइल ऐप जटिल वित्तीय कार्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से निवेशकों के लिए व्यक्तिगत वित्त पर केंद्रित है। ये मई 2024 में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया था? तो ये बताइए, चक्रवात आया था, पहला चक्रवात आया था ये 2024 में। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, किसने नाम दिया? करें इराक, बांग्लादेश, ईरान या ओमान। चलिए, तो आप थोड़ा सोचिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, ओमान। ठीक है, ओमान, ओमान जो है रेमल का जो है क्या किए थे, नामकरण किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये बंगाल की खाड़ी में जो ये जो है पहला जो है प्री मानसून उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ठीक है, तो ये कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सी धातु मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई थी? तो कॉमन प्रश्न है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा किसका? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तांबा का। निम्नलिखित में कौन सा फाइलेरिया रोग के लिए रोग वाहक के रूप में कार्य करता है? कौन करता है भी? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मच्छर। करें, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था, तब भारत का वायसराय कौन था? देखिए, हमने आपको कल भी बताया था कि वायसराय टॉपिक जरूर आप रिवाइज कर लीजिएगा, अरे बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, वहाँ पे आप डालेंगे ना तो वायसराय, भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर, आप ढेर सारी वीडियो आ जाएगी, आप अच्छे से कोई वीडियो चुन करके उसका रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, जरूर करके जाइएगा, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो कौन था भाई? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड विलिंगडन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ये जो है अधिनियम 1935 का था, और भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1937 में। ठीक है, अगला देखते हैं, यानी कि पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्रवाई कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विमुद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, तो 8 नवंबर 2016 को जो है नरेंद्र मोदी ने क्या किया था भाई, 1,000 और 500 की नोट को क्या कर दिए गए दिए थे, प्रचलन से समाप्त कर दिए थे फिर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सार्वजनिक रूप से के नाम से जाना जाता है, किस नाम से आप जानेंगे सार्वजनिक रूप से? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उसे विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। तो इसका मुख्यालय आप जानते हैं वाशिंगटन DC में। ठीक है, DC में। ठीक है, इसकी स्थापना आप जानते हैं 1944 में हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट को स्पेस के रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है? स्ट्रिंग पपेट को, ये जो है राजस्थान के पारंपरिक है, किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सी नंबर, कठ कठ पुतली के नाम से। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में कौन सी योजना एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है जिसकी परिकल्पना निरंतर आधार पर भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरित के रूप में कार्य करने के लिए की गई है?
तो यहाँ बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाजार पहुंच पहल योजना। अगला कह रहे कि भारत के जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है, राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1901 से 1921। ठीक है, इस समय जो है युद्ध भी चल रहा था और महामारी भी आई थी, तो इस समय जो है काफी कम जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। ठीक है, भारत ने वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस के उपयोग को समाप्त करने की योजना बनाई है, उस गैस का नाम क्या है, ये बताना है आपको। ओजोन दिवस 16 सितंबर को, ठीक है, और ओजोन परत किस में पाई जाती है, समताप मंडल में, समताप मंडल में। ठीक है, बताइए भी, तो ये ओजोन जानते हैं परावैगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 23 को। अगला, सिंधु जल संधि भारत को स्पेस और स्पेस नदियों के का उपयोग करने की अनुमति देती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, ठीक है, विश्व बैंक द्वारा कराया गया था, तो इसमें जो है कौन सी तीन नदियों को जो है भारत का पानी 80% यूज करेगा, 20% पाकिस्तान करेगा। ठीक है, और एक आया था 80% तीन नदियों को पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत यूज करेगा, तो इनको बांट दिया गया था, तो कौन था भाई, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा रावी ब्यास और सतलज को। ठीक है, तो तीन नदियाँ जो ये थी ब्यास रावी और सतलज का जो है क्या करेगा, भारत का नियंत्रण रहेगा, और यहीं पर आपकी तीन नदियाँ जो हैं सिंधु चिनाब और झेलम इनका नियंत्रण पाकिस्तान करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंधु समझौता 1960। आइए देखते हैं अगला, किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, बताइए, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहें नोएडा बेंगलुरु हैदराबाद चेन्नई, आपका यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, इसे जो है सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, निम्न में से कौन सा एक गर्म धारा है, ठीक है, तो ये जो है समुद्र में चलने वाली धाराएं होती हैं, तो इनको आप टॉपिक ही है इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जाता है कि दे देगा चार ऑप्शन, कहेगा कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडी है, ठीक है, जलधारा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ब्राजील की धारा। ठीक है, तो ब्राजील धारा जो है ब्राजील तट पर प्रवाहित होती होने वाली क्या है, गर्म जल धारा है। ठीक है, और ये जो है लेब्राडोर धारा, कनारी की धारा, फोकलैंड की धारा, ये ठंडी धारा जल धारा है। ठीक है, कैसी है, ठंडी है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस देश में साम्राज्यों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है, करें पाकिस्तान नेपाल अफगानिस्तान बांग्लादेश, तो देखिए इसको याद रखिएगा, ऐसे साम्राज्यों का कब्रिस्तान भाई, देखिए यहाँ पर जो है ज़्यादा तालिबान आ गए थे और यहाँ पे भारतीयों को भी सभी को लाना पड़ा वापस जो है, तो बहुत दिक्कत है, और आपका ये पड़ोसी देश भी है। ठीक है, तो किसको कहा जाता है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा अफगानिस्तान को। ठीक है, अफगानिस्तान को ध्यान रखिएगा, और देखिए अफगानिस्तान आपसे पूछा जाता है कितनी सीमा साझा करता है, तो ये बहुत सबसे कम 106 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, 106 किमी वर्ग किलोमीटर जो है ये जो है भारत से साझा करता है, तो बहुत सबसे कम इसी से करता है अफगानिस्तान से। ये क्या है, सीमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 1964 में 30 अक्टूबर 1964 में जो है सीमा शास्त्री समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला कहना कि विनय पत्रिका के लेखक कौन है, ये आपको यहाँ बताना है, बताइए विनय पत्रिका के लेखक कौन है, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, कहें तुलसीदास सूरदास जयदेव कबीरदास, ऑप्शन ए हो जाएगा तुलसीदास है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, तो तुलसीदास ही रामचरितमानस लिखे हैं,
ठीक है। और इनकी रचनाएं जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ठीक है, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, बरव रामायण, ये इनकी रचनाएं हैं। आइए देखते हैं अगला है। वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन है? तो ये कौन है भी? वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। ठीक है, इसका मुख्यालय पूछा जाता है देहरादून में। ठीक है, देहरादून में। अगला है, 1901 में बंगाल में शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना किसने की थी भाई? तो ये किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा, कह रहे हैं बीजी तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, आइए देखते हैं। आपको यहाँ पर तहसीलदार के पास यहाँ पे खाली स्थान की शक्ति होती है, तो ये आपका तीन दिया है, कूट दिया है, देखिए कूटदार प्रश्न है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहने की संबंधित गांव की अड़ंगल पहानी प्रविष्टों को सत्यापित करना और जांच करना, ठीक है, ये इसका कार्य है। स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अड़ंगल पहानी के अनुसार उगाई गई हैं, मतलब नियम के अनुसार उगाई गई हैं। अनाधिकृत अतिक्रमण, गैर सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करता है, मतलब खेतों में जाकर यह निरीक्षण करता है कि पानी जो है ज़्यादा कहीं तो नहीं निकला। कभी देखिए अभी जो है जैसे गोरखपुर में कई जो हैं टिल्लू चला दिए गए थे, तो वहाँ पे पानी ज़्यादा खींच रहे थे, तो पानी बारिश होने रही थी, तो वहाँ पे लोग क्या कर दिए, लोगों वहाँ पुलिस जाकर उनको रोक रही थी कि पानी मत निकालिए। ठीक है, तो ये सब अनाधिकृत अतिक्रमण गैर सरकारी जल के नियमों पर क्या करती है, जाँच भी करती है। ठीक है, तो इसका काम क्या है भाई? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों। ठीक है, ए सी बी तीनों। जमीन पर कब्जा करने के सरकार के इरादे के बारे में सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करेगा, तो कौन करेगा? जमीन पर कब्जा करने के सरकार, मतलब अगर किसी आदमी ने किसी की जमीन या किसी जमीन सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया है, तो उस पर नोटिस कौन जारी करने जाता है, तो ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 आया था। ठीक है, 13 के धारा 11 के अंतर्गत, ठीक है, जब कभी समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी क्षेत्र में भूमि की लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी होने की संभावना है, तब उस आशय की ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में अर्जित की जाने वाली भूमि के ब्यौरों सहित जिला कलेक्टर सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जिला कलेक्टर। अगला है, एक सुविधा जहां से किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यापार के सामान्य क्रम में जनता के सदस्यों को इंटरनेट की पहुंच की पेशकश की जाती है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत के रूप में परिभाषित किया गया है। सही ऑप्शन आपका यहां हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक साइबर कैफे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सॉफ्टवेयर के प्रसंग में स्पेस एक त्रुटि है जो अवांछित नतीजे पैदा करती है, ये सारी त्रुटियां सामान्यतः व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियां हैं और प्रायः प्रोग्राम के स्रोत कोड में रहती है। राइट आंसर हो जाएगा, करें हैक, पैच, वायरस या बग, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बग। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर के प्रसंग के बग एक त्रुटि है जो अवांछित नतीजे पैदा करती है, ये सारी त्रुटियां सामान्यतः व्यक्ति द्वारा की गई गलतियां हैं। ठीक है, अगला देखते हुए, कहने प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो ये किससे प्राप्त करेगा? कहने कि भारत की जनता से, भारतीय संसद से, ब्रिटिश संविधान से या भारत का उच्च न्यायालय से? ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, भारत की जनता से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ये कब किया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपसे एक पूछता है, ग्यारहवां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो ये 1886 में 51
51 कामें हैं, ठीक है, 2002 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? तो किसमें है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, पहली अनुसूची में, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, अब जो है आपका हिंदी का पार्ट है, ठीक है, यहाँ से आपको हिंदी का करना है, ठीक। तो ये मैंने कहा था कि इसके जो है आपको पहले इसमें रीजनिंग प्रैक्टिस सेट शुरू होता, बीच में आपका हिंदी मिलेगा, तो 68 प्रश्न से यहाँ से हिंदी आपको इसमें से मिलेगा, ठीक है। चलिए तो हिंदी के प्रश्न आप देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द तत्स्यम है, ये आपको बताना है भाई, इसमें से कौन सा शब्द जो है आपका यहाँ तत्स्यम होगा, ठीक है। कहने की नाग, धूरी, जनवास या जम्बू, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो देखिए तस्यम पूछा है, ऐसे शब्द जो संस्कृत से हूबहू हिंदी में ले लिए गए हैं और उनका प्रयोग होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए जम्बू शब्द जो है तस्यम शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका तद्भव पूछेगा तो बताते हैं, आप जानते हैं जामुन होता है, जामुन, ठीक है, जामुन होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाक का तस्यम, देखिए नाक जो है तद्भव है, नाक का अगर तस्यम पूछेगा आप बताएंगे नासिका, क्या बताएंगे नासिका, ठीक है। और जनवास का क्या होगा भाई, जनवास का तस्यम जन्यवास होता, क्या होता है, जन्यवास होगा, ठीक है। और धूरी का होगा तद्भव, धूल होगा, ठीक है, धूल होगा, ये तस्यम है, ठीक है, ये तस्यम धूल, धूरी जो है तद्भव है, इसका तस्यम धूल होगा, ठीक है, धूरी आपका तस्यम शब्द है, क्या भाई एक मिनट, यहाँ पे जो धूरी जो है आपका क्या है, ये आपका तद्भव है और धूल जो है तस्यम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, कहने कि वासगृह शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, बताइए, राइट आंसर हो जाएगा, तो वासगृह कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर बसेरा, ठीक है, बसेरा जो है इसका तद्भव हो जाएगा, तो वासगृह क्या है, तस्यम है। अगला देखते हैं, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो देखिए कौन सी है, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राकृति, ठीक है। तो कौन आएगी पहले क्रम से चलेगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी और हिंदी, ठीक है। इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है, ये आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अमीर खुसरो, ठीक है। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, किन्हें माना जाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा, गार्सा द तासी को। अगला है, दिए गए विकल्पों में से गे का समानार्थी शब्द कौन सा है भी, राइट आंसर हो जाएगा, देखिए गे मने घर, ठीक है, तो आपका यहाँ सदन, भवन, निकेतन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है, कौन सा हो जाएगा, तो ये स्तुति का विलोम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निंदा, ठीक है, यहाँ पे सही हो जाएगा डी नंबर। और समालोचना का विलोम क्या हो जाएगा, अविवेचना, ठीक है, और आलोचना का विलोम क्या हो जाएगा, प्रशंसा, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है, नहीं आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सोना होता है, खजूर होता है, धतूरा होता है, लेकिन छल नहीं होता, ऑप्शन यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जो कहा ना जा सके इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है, तो कौन सा है, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अकथनीय, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए, आपको सही वाक्य चुनना है। कहने तीन नगरों का नाम बताइए, तीन नगर के नाम बताइए, तीन नगरों के नाम बताइए, या तीन नगर का नाम बताइए, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तीन नगरों के नाम बताइए, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब वाक्य में संज्ञा बहुवचन होगी तब जो है क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन होगी, ठीक है। निम्न में से उचित शब्द का चयन करें, मतलब कि औद्योगिक का आपको
जब जब इक प्रत्यय हो, ठीक है, इक लगा हो तो वहां पे जो होगा एक मात्रा वाला ओ और ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वहां पे डबल मात्रा औ का मात्रा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो औद्योगिक, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। वह महिला बहुत विद्वान है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, बताइए भी। राइट आंसर हो जाएगा, कह रहे हैं लिंग, संज्ञा, वचन या कारक, कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए ए नंबर, लिंग भाई। वह महिला बहुत ये विद्वान, देखिए विद्वान जो है ये पुरुष के लिए आ रहा है, लेकिन यहाँ पे महिला आया है, तो महिला के लिए भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत, विद्वान नहीं होगा, तो क्या होगा, विदुषी होगा। क्या होगा, वह महिला बहुत क्या है, विदुषी है, ठीक है, ये आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ विद्वान नहीं होगा, तो लिंग संबंधी त्रुटि है। कवि का सही बहुवचन रूप बताइए, बताइए भी। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, बी नंबर, कवि गण। राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो कारक आप जानते हैं, इसके 8 भेद होते हैं। देखिए इसमें आप, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी इसको कराएंगे, क्वेश्चन जल्दी हो जाए, क्योंकि आपको हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं, एग्जामपुर हो गया, अंकित भाटी सर का हो गया, घटना चक्र, युद्ध, ठीक है, और इसके जो पहले युद्ध का आई थी, एग्जाम नहीं हुआ था तब, यूपीपी का, बहुत सारे प्रैक्टिस, ठीक है, कराएं, तो इसलिए अब जो है हमको ज़्यादा क्वेश्चन करना है। अगर आप नहीं देखे तो वहाँ आप डिटेल में हम हिंदी के अलग अलग सा पार्ट कराएं, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। बताइए भाई यहाँ पे राइट आंसर हो जाए, देखिए राम का आया है, ठीक है, का जानते हैं किसका कारक चिन्ह, संबंध कारक का है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है, ये आपको बताना, अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो देखिए जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो, तब वहां जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक हो जाती है, ठीक है, व्यक्तिवाचक बन जाती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है अग्नि का विशेषण कौन सा है, ये आपको बताना है भी, तो अग्नि का विशेषण कौन है भी, राइट आंसर आपको यहाँ हो जाएगा ए नंबर, अग्नि। अगला देखते हैं, कहने कि चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, तो देखिए भाई चोर उठेगा मतलब एक बार क्या हुआ, ऐसे बैठा था भाई, बैठा था, बड़ा हुआ, उठा, फिर क्या करा, फिर भागा, क्या हुआ, भागा, तो भागा कहने का मतलब क्या हुआ, एक भाई उठने में हुआ, फिर भागने में हुआ, तो क्या हुई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई, नहीं हो गई, सी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, क्या है इसमें, पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। लता गा रही है, इस वाक्य में किस काल का प्रयोग हुआ है, किस काल का प्रयोग हुआ है, देखिए लता गा रही है, देखिए रहा है, रही है, रहे हैं, किस में आता है, अपूर्ण वर्तमान काल में आता है, ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, बताइए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जहां पर असमर्थता व्यक्त हो, ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, धूप में चला नहीं जाता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भाववाच्य में केवल जो है अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, ये भी आप परिभाषा में ध्यान रखिएगा। इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है, यहां पे आपका राइट हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय, करें कि वहां, यहां, वहां, धन्य धन्य, या जहां जहां, जहां जहां, यहां वहां, स्थान वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, धन्य धन्य, ठीक है। अगला देखते हैं, शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, देखिए शिष्ट आपका मूल शब्द हो गया, ता जो है आपका प्रत्यय हो गया, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, ताबड़ा। अगला देखते हैं, कह रहे कि आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा, इक प्रत्यय। आइए देखते हैं अगला है, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे, सत प्लस मार्ग, ठीक है, तो कौन सी संधि आएगी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यंजन संधि। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा,
बताइए भाई। तो यहाँ पे देखिए, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, तो देखिए है थोड़ी देर के लिए ठहरा हो रहा है, तो यहाँ पे है के बाद क्या लगेगा, अल्प विराम चिन्ह लगेगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। जहाँ पर थोड़े समय के लिए क्या हो ठहरा हो वहाँ अल्प विराम लगता है। आइए देखते हैं अगला है, दिए गए विकल्पों में से कोड़ में करें कोड़ में खाज होना, इस मुहावरे का अर्थ हेतु सही विकल्प कौन सा है। देखिए करें कोड़ में, देखिए जैसे कोड़ हो जाती है आदमी, तो उसमें भी खाज हो जाए, खुजली हो जाए, तो कहने का मतलब दर्द कम दर्द आपको दुख में दुख, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दुख पर और दुख होना। देखिए ठीक है, दुख पर और दुख होना। अगला देखते हैं, करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है, बताइए भी राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए करुण रस का स्थायी भाव डी हो जाएगा, शोक। अगला देखते हैं, करें पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखिए लाटानुप्रास अलंकार जब किसी शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो किंतु अन्वय अथवा तात्पर्य में भेद हो, उसे हम लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूत सपूत तो क्यों धन, कहने का मतलब अगर पूत जब गलत है तो धन क्यों संचय, अगर पूत बहुत ही अच्छा है तो धन क्या संचय करने की जरूरत है, वो खुद ही क्या कर लेगा, कमा खा लेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए आप कह रहे हैं कि 99 से 95 तक क्या है गद्यांश के प्रश्न है, तो यहाँ और प्रश्न है नीचे, तो यहाँ इसको गद्यांश वाला हम नहीं करेंगे, आपको 99 से आगे से करेंगे, मतलब 100 से करेंगे। ठीक है, 100 से करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से करेंगे, आइए देखते हैं, करें सी रामय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जरी चुग पानी, यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है। तो ये देखिए, देखिए रामायण आ जाए, तो ये देखिए रामचरित मानस से, ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। कहने केदारनाथ सिंह की उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, किस पर भाई, तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकाल में सारस पर। ठीक है, अकाल में सारस पुस्तक पर जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1989 में जो इनको दिया गया था। अगला है, मृच्छकटिकम किसकी रचना है, तो ये आप जानते हैं किसकी है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सूत्रक की है। अगला है, यह मास जो चंद्रमा की स्पेस के अनुसार गिना जाता है वह कहलाता है रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ए नंबर, यहाँ पे गति भर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे चंद्रमा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे यह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है वह चंद्रमास कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं, आखिरी प्रश्न है आपका, कह रहे कि चित्रा मुदगल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए। ठीक है, 2018 में। ठीक है, 2018 में। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपके पूरे हो जाते हैं। देखिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया क्योंकि थोड़ा लिखने में टाइम लगता है, तो भाई 75 प्रश्न है, आप सोचो कि समझाना भी रहे और आधा घंटा में थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, तो अगर बड़ा हुआ तो कुछ जरूर स्ट्रेस सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ आपको पसंद, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।